नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और हमारा चैप्टर चल रहा था जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, और इसके अंतर्गत हम ये देख रहे थे कि किस प्रकार पॉलिटिकल साइंस में हमारे समाज में और किस प्रकार जेंडर को लेकर, कास्ट को लेकर और रिलीजन को लेकर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और इसका इफेक्ट पॉलिटिकल में कैसे पड़ता है, पॉलिटिक्स पे कैसे पड़ता है। हमने वुमेंस के डिस्क्रिमिनेशन को देखा था, एक छोटा सा पॉइंट और रह गया वुमेंस का, उसके बाद हम आते हैं रिलीजन पे। वुमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि वुमेंस का पॉलिटिकल यानी कि राजनीति में कैसा रिप्रेजेंटेशन है। येट इश्यू रिलेटेड टू वुमेंस वेल बींग ऑन अदरवाइज आर नॉट गिवन एडेक्वेट अटेंशन, यानी कि उनको एक इक्वल रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। ओनली वे टू एंश्योर दिस इज हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया, द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो, बहुत ही कम है। आज भी हमारा जो लेजिस्लेचर सिस्टम है, हमारे कानून व्यवस्था है, हमारा जो व्यवस्थापिका है, वहाँ औरतों की जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है। लोकसभा में मात्र 10% और स्टेट असेंबली में तो 5% से भी कम। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट, हमने फेडरलिज्म में पढ़ा था इस बात को कि लोकल गवर्नमेंट में एक रिजर्व्ड इनके लिए सीट है, कि 33% जो होगी वो वुमेन्स ही होती है। तो ऐसा सिस्टम लगता है कि हमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि उनको भी जो है एक रिजर्व्ड कोटा औरतों को मिलना चाहिए, ताकि वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव बराबर मात्रा में संसद में पहुंच सके। इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज ऑफ द सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। चलिए, ये बात, ये तो बात होगी वुमेन्स वाली। अब हमारे आज का जो टॉपिक है वो है रिलीजियन, कम्युनलिज्म, पॉलिटिक्स। ये क्या है, दिस डिवीजन इज नॉट एज अ यूनिवर्सल एज अ जेंडर, ये जेंडर जैसा यूनिवर्सल डिवीजन नहीं है, बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज अ फेयरली वाइड स्प्रेड ऑन द वर्ल्ड टूडे। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि धर्म के आधार पर किस प्रकार जो है वो भेदभाव जो है हमारे साथ चल रहा है, तो इसको हम देख सकते हैं। एज वी नोटिस इन द केस ऑफ नॉर्थन आयरलैंड, इवन वेन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन, देयर कैन बी सीरियस डिफरेंसेज अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस देयर रिलीजियंस। आगे चलते हैं, देखिए नोट्स पूरे मैंने अच्छे से बना रखे हैं, आप आराम से बैठ के इनको ध्यान से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं गांधी जी का एक कोटेशन यहाँ पर आ रहा है, गांधी जी यूज टू वे द रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी का मानना था कि आप धर्म को जो है ना राजनीति से कभी अलग नहीं कर सकते। यहाँ उनका धर्म का मतलब हिंदू या मुसलमान नहीं है, यहाँ धर्म का मतलब वो मॉरल वैल्यूज को मानते हैं। और वो और भी क्या कहते थे, ये बिलीव दैट द पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन, और वे मानते थे कि राजनीति को क्या होना चाहिए, गाइड लेनी चाहिए किससे, रिलीजन्स के एथिक्स से, रिलीजन्स की अच्छी अच्छी बातों से उनको गाइड लेनी चाहिए। ह्यूमन राइट ग्रुप्स, और ये क्या है, ये ह्यूमन राइट ग्रुप जो है वो ह्यूमन की मांग के बारे में बात करता है। इन अवर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट द मोस्ट ऑफ द विक्टम्स ऑफ कम्युनल रायट्स इन द कंट्री एज पीपल फ्रॉम द रिलीजियस माइनॉरिटीज, एंड वुमेन्स मूवमेंट हैज आर्ग्यूड दैट द फैमिली लॉ ऑफ ऑल रिलीजियंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द वुमेन। उनका मानना है कि जितने भी फैमिली लॉ है वो वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ह्यूमन राइट ग्रुप्स का मानना ये है कि ये जितने भी कम्युनल राइट्स होते हैं, कितने भी दंगे फसाद होते हैं, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, और उनके अंदर जो है वो हाथ किसका होता है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का ही होता है। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि सबसे पहले फैमिली लॉ क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आया फैमिली लॉ। फैमिली लॉज क्या है, दोज लॉ दैट डील विद फैमिली रिलेटेड मैटर सच एज मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन एंड अवर कंट्री डिफरेंट फैमिलीज लॉ अप्लाई टू द फॉलोज डिफरेंट रिलीजियस। अलग अलग रिलीजन का अलग अलग फैमिली लॉ यहाँ पर बना हुआ है। एंड द पीपल शुड प्ले एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड।
अब यहाँ पर एक वर्ड और हमारे सामने प्रकटित होता है जिसका नाम है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑन द बेस ऑफ रिलीजियन टू स्पेशली व्हेन इट इज बेस्ड ऑन देयर रेस रिलीजियंस एटसेट्रा। कम्युनिज्म द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजियन इज सीन एज अ बेसिस ऑफ द नेशन। बड़ी समस्या ये है, द प्रॉब्लम बिगिंस, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है व्हेन रिलीजियन इन द सीन एज अ बेसिस ऑफ द नेशन, जब नेशन के बेसिस को रिलीजियन के आधार पर देखा जाने लग जाता है। द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट, और ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा एक्यूट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस इन द पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्शियन टर्म्स। व्हेन बिलीव्स ऑफ द वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज अ सुपीरियर टू द दोज द अदर रिलीजन, और जब कोई व्यक्ति ये मानने लग जाता है कि मेरा धर्म जो है वो दूसरे के धर्म से अच्छा है। व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियन ग्रुप ओवर द रेस्ट, दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजियन इन पॉलिटिक्स कम्युनल पॉलिटिक्स, यही क्या कहलाती है, कम्युनल पॉलिटिक्स कहलाती है। कम्युनिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन द पॉलिटिक्स, अलग अलग प्रकार से हमें पॉलिटिक्स में कम्युनिज्म देखने को मिलता है। इन एवरी डेज बिलीव्स वी सी रिलीजियस रिलीजियस प्री जस्टिस एंड सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर द अदर रिलीजन। हर व्यक्ति आजकल यही मानता है कि भाई ये हिंदू है, हिंदू कह रहा है नहीं मेरा रिलीजन सबसे बढ़िया है, मुसलमान कह रहा है कि नहीं मेरा रिलीजन सबसे बड़ा है। तो ये हाँ हम कम्युनलिज्म को देख सकते हैं। कम्युनल माइंड ऑफन बेस्ड ऑन द क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओवर द रिलीजियन कम्युनिटी। यहाँ पे हम देखते हैं कि हर व्यक्ति की अलग अलग मांगे हैं। मेजोरिटी कम्युनिटी जो है उसका डिज़ायर यह है कि मेजोरिटीनिज्म होना चाहिए और ऐसा डोमिनेंस होना चाहिए। जब माइनॉरिटी कम्युनिटी उसका डिज़ायर क्या है कि सेपरेट हमें जो है वो हमारी पॉलिटिकल डोमिनेशन चाहिए, सेपरेट हमें यूनिट बना के दे दो। तो हर कम्युनिटी जो है उसकी अलग अलग मांग जो है यहाँ पर उगकर सामने आ जाती है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इज अनदर फ्रिक्वेंस्ड फ्रॉम द कम्युनिज्म, दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्कोल्ड सिंबल रिलीजियस बेस्ड इमोशनल अपील। इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर्स। ये मतलब ये क्या करते हैं, ये राजनेता क्या करते हैं, यहाँ पे जातिवाद को लेकर ये कहीं ना कहीं वोटर्स जो होते हैं ना उनको लुभाने के लिए सब कुछ करते हैं। समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वॉयलेंस, सबसे बुरी जो गंदी स्थिति आती है ना कम्युनलिज्म, वो है कम्युनल वॉयलेंस, रायट्स एंड मैसकेयर्स। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान का जो आज हम भेद देखते हैं, इंडिया से पाकिस्तान जो अलग हुआ है उसका कहीं ना कहीं कारण कम्युनलिज्म ही रहा है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी शिफ्ट फ्रॉम द, ये क्या है, ये भी दो चीज़ें यहाँ पर एक मैंने साथ में क्या है कि वर्ड जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते रहते हैं उनके बारे में भी लिखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भैया आप क्या समझते हो इसका मतलब क्या है। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होती है, शिफ्ट फ्रॉम द वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, एक ऑक्यूपेशन के लिए एक देश से दूसरे देश में जाना। अर्बनाइजेशन क्या है, शिफ्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, हमारे भारत सरकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान जो है वो बिल्कुल मना ही करता है कि हम कास्ट के आधार पर, किसी जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। येट कास्ट प्रॉब्लम हैज नॉट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द कॉन्टेम्प्ररी इंडिया। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ समझी है कि किस प्रकार जो है रिलीजियन जो है वो पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। अगला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा कास्ट के ऊपर, कि कास्ट जो है वो किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है। नोट्स को पढ़िए, दोबारा से देखिए, दोबारा दो तीन बार वीडियो को घुमा घुमा के देख सकते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।